जब हम बैंक एफडी की बात कर रहे हैं तो मैं एक कंपैरिजन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्मॉल फिनेंस बैंक जो है, अगर उनके हम आपको रेट्स दिखाएं एफडी के, हमने एक तैयार किया है डेटा, तो हम देखेंगे कि जहां सरकारी बैंकों की एफडी ख़त्म होती है वहां से इनका जो है ब्याज देना ये शुरू करते हैं। यानी हाईएस्ट जो मैं देख रही थी, अगर हम सीनियर सिटीजन वाला को भी कंसिडर करें तो 7% के आसपास आपको जो है प्रमुख बैंकों में एफडी पर रिटर्न मिल रहा होगा। लेकिन वहीं आप देखिए ना, ये यूनिटी स्मॉल फिनेंस बैंक हो गया, वो शुरुआत ही हो रही है उसकी 7.85 से 9% पर ये जा रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए क्या शानदार रिटर्न आपको दे रहे हैं 1 से 5 साल तक की एफडी में। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक में हाईएस्ट जो है वो 8.50 है। और इसमें हमेशा जब मैं ये रेट्स दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको आधा फीसदी ज़्यादा सीनियर सिटीजन को भी मिल जाता है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है बैंकों को कैसे एफडी के मामले में पीछे छोड़ देते हैं जितेंद्र सर? कोई भी निवेश जब आपको कंपेयर करते हैं एक हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है तो उसका मतलब होता है कि जो क्रेडिट क्वालिटी है उसका कंपनसेशन होता है। ओके, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, नए बैंक्स हैं, इनको डिपॉजिट चाहिए, तो डिपॉजिट कैसे आएगा कि हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करके। तो हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करने का मतलब क्या है कि अगर हम बड़े बैंक से छोटे बैंक को कंपेयर करें तो जो क्रेडिट क्वालिटी या जो क्रेडिट रिस्क है जो बड़े बैंक इंजॉय करते हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। यानी कि क्रेडिट रिस्क जो है, जो डिफॉल्ट रिस्क जिसको हम बोलते हैं, अगर सरकारी बैंक्स, बड़े बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को मैं कंपेयर करूं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर ज्यादा है। आपको नहीं पता है कल क्या सिचुएशन होने वाली है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और यूनिटी बैंक अगर मैं कंपेयर करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी क्रेडिट क्वालिटी इंजॉय करता है, तो वो जानता है कि उसकी ऑलरेडी क्रेडिट क्वालिटी हाई है तो इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर नहीं होता है। वहीं पे छोटा जो बैंक है उसको वो क्रेडिट क्वालिटी कंपनसेट करनी है, डिपॉजिट चाहिए उसको, तो उसके लिए वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो कोई भी निवेशक जब ये निवेश करने जाए तो वो इस अंतर को अच्छे से समझ। ओके, क्रेडिट क्वालिटी जो है वो आपको देखनी चाहिए कि भाई जो छोटे बैंक होते हैं उनको अपने खर्चे भी चलाने हैं और उनका खर्चा एक बड़े बैंक से कम होता है, तो वो ये फायदा अपने कस्टमर को देते हैं। जितेंद्र सर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? खर्चा भी चलाते हैं और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक रिस्क, क्रेडिट रिस्क जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो क्रेडिट रिस्क हम सब जानते हैं, आम आदमी भी जानता है क्या है, लेकिन वही छोटे बैंक से वो क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। आपको नहीं पता कल क्या होगा, हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को देखा है डिफॉल्ट होते हुए, तो उस क्रेडिट रिस्क का कंपनसेशन होता है हाई इंटरेस्ट रेट। और ये बताइए मुझे, जिस तरह से अगर मैं एक बैंक में, पीएसयू बैंक में निवेश करती हूँ या निजी बैंक में एफडी करती हूँ, तो वो जो 5 लाख का बीमा मिलता है डीआईसीजीसी, क्या वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी वो एफडी को वो सिक्योरिटी मिलती है 5 लाख रुपए तक की? देखिए, सभी कमर्शियल बैंक्स पे वो एप्लीकेबल होता है, वो सिक्योरिटी अवेलेबल है। जब आप फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में आपका खाता है तो वो एप्लीकेबल होती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये, और ये स्पेसिफिकली उसके बाद करी गई थी जब एक डिफॉल्ट हुए थे, तब जाके ये 5 लाख का जो ये जो गारंटी जो दी गई, जिसको मैं एक तरह से इंश्योरेंस बोलता हूँ, जो दिया गया वो इसीलिए दिया गया कि पहले कुछ डिफॉल्ट ऐसे हुए जहाँ पे लोगों का पैसा था जो वो रिकवर नहीं हो पाया, उसमें सीनियर सिटीजन और ऐसे लोग ज्यादा थे जिनका कि बहुत हार्ड अर्न मनी था और पहले ये गारंटी बहुत कम होती थी, तो उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया, जो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है। ओके, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, 5 लाख तक की राशि आपकी सुरक्षित रहेगी। अब अगर ये आखिरी सवाल है, बैंक एफडी वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब थोड़ा सा अगर मुझे वहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने पैसे को यहाँ पर डाल सकती हूँ कुछ समय के लिए, तो अगर जैसे आपने एग्जाम्पल से समझाया 1 लाख रुपये हैं और बैंक एफडी और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों में से चुनना हो, तो आप मुझे कहाँ पैसे लगाने के लिए सजेस्ट करेंगे? पूरा पैसा मैं क्या SFB में लगा दूँ, इसे डिवाइड करूँ, आपकी क्या राय रहेगी जितेंद्र सर? देखिए, मेरा राय जो है वो निवेशक की सरप्लस पर डिपेंड करती है। अब अगर एक रिटायर्ड पर्सन है, उसका हार्ड अर्न मनी है, उससे अपने खर्चे पूरे करने हैं और वो हाई इंटरेस्ट रेट की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है वो बड़ा रिस्क ले रहा है। हाँ, अगर 1 लाख रुपया है उसमें से 10-15 हज़ार ऐसे बैंक्स में रख देते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट कमा लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर उस 1 लाख में से अगर वो 50 हज़ार यहाँ रख के
ये सोचा जाएगा कि मैं हाई इंटरेस्ट रेट कमा लूं, तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। तो बहुत कुछ आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है, आपका आपके पास जो पैसा है वो किस लिए है उस पर निर्भर करेगा। अब एक यंग है, उसके पास सरप्लस पड़ा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है और वो रिस्क फैक्टर रिस्क लेने की कैपेसिटी में है, तो वो ऐसे बैंक्स में निवेश करके अपना हाई इंटरेस्ट रेट कमा सकता है फिक्स डिपॉजिट पर। लेकिन जैसा मैंने कहा, वही एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है, हार्ड अर्न मनी है और उसको उससे अपने खर्चे चलाने हैं, तो अपने खर्चों को ज्यादा खर्चों को पूरा करने के लिए वो हाई इंटरेस्ट की तरफ जाता है, तो फिर ऐसे उस सूरत में वो एक रिस्क फैक्टर बड़ा हो जाता है। तो अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए आप समझ सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं। पूरा एलोकेशन मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता, हाँ आप 10-15% 20% तक आप ऐसे एलोकेशन में जा सकते हैं अपने टोटल एफडी के पोर्टफोलियो से। ओके, सो टोटल एफडी के पोर्टफोलियो में आप, अगर आपको निवेश करना है तो कुछ हिस्सा आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी में कीजिए, कुछ हिस्सा आप बैंक एफडी में करिए। और इससे पहले जब डेट फंड और एफडी की भी बात हो रही थी, सर ने यही कहा कि आप सब कुछ जो है ना, वो एक कहावत है जो जितेंद्र सर जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो हर एक ही जगह पे अपने सारे पैसे नहीं ला दिएगा, नहीं तो बड़ी गलती कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपने वक्त निकाला इस बातचीत के लिए। थैंक यू।